गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको शिक्षण के सिद्धांत पढ़ा रही थी, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि शिक्षण के दो सिद्धांत होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत दो होते हैं। प्रथम था हमारा सामान्य सिद्धांत और द्वितीय था हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये दो हमारे सिद्धांत थे इसके अंदर, सामान्य और मनोवैज्ञानिक। सर्वप्रथम मैंने आपको सामान्य सिद्धांत के बारे में पढ़ा रही थी। सामान्य सिद्धांत में मैंने लास्ट वीडियो में आपको चार सिद्धांत बताए थे। जो हमारा सबसे पहला सिद्धांत था वो था हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत, और सेकंड था हमारा, प्रथम हमारा क्रियाशीलता का, सेकंड था हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। क्रियाशीलता का, प्रेरणा का, थर्ड था हमारा जीवन से संबंधित सिद्धांत, और फोर्थ सिद्धांत था हमारा रुचि का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्रियाशीलता के सिद्धांत के लिए मैंने बताए थे, टॉबेल का मैंने आपको परिभाषा बताई थी, प्रेरणा के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पाठक जी ने और त्यागी जी ने इनकी परिभाषा बताई, उसके बारे में मैंने बताया था। थर्ड था हमारा जीवन से संबंधित, इसमें मैंने रायबन जी की परिभाषा बताई थी। फोर्थ था हमारा रुचि का सिद्धांत, इसमें भी मैंने आपको पिनसेट की डेफिनेशन लिखवाई थी। इन चारों सिद्धांतों का मैंने वर्णन लास्ट वीडियो में किया था। अब जो सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा पांचों जो सिद्धांत है वो है हमारा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के लिए हम कहेंगे कि ये जो सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत हमें हमारे संसाधन के अनुकूल उपयोग और उसको सीखने पर हमें अधिक से अधिक इस पर बल दिया जाता है कि हम किस तरीके से, किन संसाधनों के द्वारा हम उसे सीख सकते हैं। निश्चित उद्देश्य, क्योंकि बच्चों ये हम मानते हैं कि जब हम हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिस तरीके से एक धावक होता है जो पानी में तैरने का उसका लक्ष्य होता है, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, लेकिन उसके लिए वो अपने जो छोटे छोटे उद्देश्य है उनकी पूर्ति करता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वह अपने समय का निर्धारण करता है, उसमें वो किस तरीके से पहुंचना चाहता है, उन संसाधनों का उसमें प्रयोग होता है, किन किन समस्याओं का उसे समाधान करना है, ये सब उसके लिए एक छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति करते करते व्यक्ति आगे तक, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो इसमें बताइए कि हमारा एक लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें, हमारे पास एक निश्चित उद्देश्य भी होने चाहिए, अर्थात उसे, जिस लक्ष्य को हमने सोचा है कि हमें पूरा करना है, उसे हम किस तरीके से पूरा करते हैं, ये हमारा उद्देश्य निर्धारित करता है। तो हमें ये पता रहता है कि जिस लक्ष्य की हम प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसमें हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, हम उन संसाधनों को देखते हैं सीखने के लिए, यानी कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि किस तरीके से हमें उस चीज की प्राप्ति हो सकती है, उसे हम सीख सकते हैं, या हम कहें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारा एक ध्यान केंद्रित करने के लिए होते हैं, क्योंकि इन उद्देश्यों के आधार पर ही हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो ये था हमारा पांचवा कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करना। फिर है हमारा जो इसके बाद में समझा शिक्षण सिद्धांत है, वो है हमारा व्यक्तिगत मतभेदों को
पहचानने का सिद्धांत। हम इस चीज को जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मतभेद होते हैं, अर्थात उनके अंदर हम ये कहें कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, या हम कहें कि चाहे वो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हम कहें उनकी जो उनका आईक्यू, उनका बुद्धि स्तर, हर तरीके से आपस में व्यक्तियों में मतभेद पाए जाते हैं, अर्थात समान नहीं पाए जाते। इसमें हम कहें कि बच्चा जो व्यक्ति होता है वो अपनी मनोदृष्टि, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी सामाजिक आर्थिक जो परिप्रेक्ष्य होता है उसके संदर्भ में इन सब तरीकों से वो अलग अलग पाए जाते हैं। ये हम लोग सब मानते हैं। हम देखते हैं कि एक कक्षा में क्या हम ये सोचे कि जब एक ही परिवार के, यानी कि हम कहें कि जब दो सगे भाई बहन हैं या वो भाई है तो उनमें भी मतभेद पाया जाता है, चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, चाहे वो मनोदृष्टि से हो, या उनकी शारीरिक योग्यता हो, या उनकी मानसिक योग्यता हो, किसी भी तरीके से। जब भी तो हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक जो बच्चा है वो तो बहुत बड़ी पोस्ट पर जाता है और दूसरा ही भाई उसका, या हम देखते हैं कई बार कि वो अपनी आर्थिक स्थिति या कहीं उस योग्यता की कमी होने के कारण जहां उनके जो भाई वहां पहुंचे हैं वहां वो नहीं पहुंच पाते। तो ये सब कारण क्यों होता है? ये व्यक्तिगत मतभेद के कारण, क्योंकि सभी व्यक्तियों का या सभी व्यक्ति के एक ही समान उनके अंदर योग्यताएं नहीं होती। इन योग्यताओं के उनके अंदर सभी के अंदर अलग अलग योग्यताएं पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा चयन का सिद्धांत। हमने देखा है बच्चों, जब भी हम किसी चीज को, जहां जहां हमने बात करी थी पहले उद्देश्य की, तो आप इस चीज को मानते हैं कि हम जब शिक्षण का चयन करते हैं, शिक्षा का, तो हम क्या करते हैं, उसे चयन करते हैं। और चयन का आधार क्या होता है? चाहे वो हमारी आवश्यकता हो, या हम इस चीज को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वो हमारी आवश्यकता, हमारी उपयोगिता हमारे चयन का आधार बनते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि दिन प्रतिदिन जो हमारी आवश्यकता है जितनी बढ़ती जाती है, हम अपनी शिक्षा का चयन भी उसी तरीके से करने लगते हैं। दिन प्रतिदिन इसको बढ़ते, जो हमारा ये हमारी आवश्यकता है जो बढ़ रही है, ये हमारे जो शिक्षक और शिक्षार्थी के उद्देश्य हैं उनको भी वो बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और हम उन प्रासंगिक सामग्रियों को लेने में हमें सक्षम बनना है। ये हमें हमारा चयन का सिद्धांत बताता है कि किस तरीके से हमें किन चीजों का चयन करने से हमें हमारे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे शिक्षण को हम आगे बढ़ाएंगे उसमें सबसे प्रमुख है हमारे चयन का सिद्धांत, क्योंकि उसकी जो चयन की क्षमता है उसी के आधार पर हमारी पूरी शिक्षा टिकी, किस तरीके से हमारे शिक्षा को हम और प्रगतिशील बना सकते हैं, ये हमारी चयन पर है। क्योंकि हमारा जो हम विषय का चयन करते हैं वो चयन हम हमारी आवश्यकताओं के आधार पर करते हैं। अब हमने देखा कि जो चयन के सिद्धांत के बाद में है हमारा योजना का सिद्धांत। योजना भी बोल सकते हैं हम इसे, नियोजन भी बोल सकते हैं हम इसे, योजना या नियोजन का सिद्धांत। बच्चों, नियोजन का अर्थ क्या होता है? जिसे हमने मानते हैं कि योजना, जिसे हम पहले से पूर्व में हम प्लानिंग करते हैं, योजना मीन्स हमारी प्लानिंग। तो हम देखते हैं कि हम ये प्लानिंग कब करते हैं, जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं। तो नियोजन में हम ये कहेंगे, नियोजन का अर्थ होता है किसी भी क्रिया को योजनाबद्ध करना, एक उसका क्रम निर्धारित करना कि किस तरीके से हमें उसे संचालित करना होता है। तो योजना के लिए कहते हैं कि हर शिक्षक के लिए निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, क्योंकि
निर्धारित होता है कि इस समय के आधार पर हमें कार्य करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हमारे विद्यालय में या महाविद्यालय में शिक्षक हमें अध्ययन करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, तो उनके लिए एक समय होता है, या हम कहें प्रत्येक दिन का उनका समय है। वो समय उनकी कालांश तक पे हम देखते हैं कि जब वो कालांश हमारी क्लास लेते हैं तो उसमें भी उनका एक समय निर्धारित होता है कि इस समय में उन्हें अपने इस विषय का अध्ययन बच्चों को करवाना है। तो ये हमारी एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, वो पूरे साल की हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में पूरे साल की जो प्रक्रिया होती है उसे योजनाबद्ध कर लिया जाता है कि किस तरीके से शिक्षक को कितने समय में अपना अध्ययन पूरा करवाना है। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया हमारी एक योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है और इसी सिद्धांत के आधार पर वो कार्य करती है, अर्थात उसकी योजना बनाना, जो पहले हम शिक्षक हमारे लिए योजना बनाकर आते हैं। और इसीलिए जो हमारे शिक्षण संसाधनों का उपयोग हम क्या कर पाते हैं, अनुकूलता बनाए रखने के लिए हम उसे व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारी योजनाबद्ध होनी चाहिए। ये हमारे शिक्षण का सिद्धांत था। अब नेक्स्ट हमारा शिक्षण का सिद्धांत होगा विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये हम जानते हैं बच्चों, विभाजन यानी कि छोटे छोटे भागों में उसका विभाजन करना। तो हम देखते हैं कि हमें किसी विषय को जब हम सरल बनाते हैं तो सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका विभिन्न इकाइयों और उप इकाइयों में उसका विभाजन कर देते हैं। तो शिक्षण का एक सिद्धांत क्या हो गया हमारा, विभाजन का सिद्धांत। अर्थात हमने देखा है ना, सरल से कठिनता की ओर ले जाने के लिए ये शिक्षण सूत्र में बताया। तो ये विभाजन हमें वो चीज सिखाता है, क्योंकि जब समग्र रूप हमारे सामने आता है किसी विषय वस्तु का तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और हम प्रॉपर उसका ज्ञान नहीं ले पाते। तो अगर हमें उसका ज्ञान पूर्ण रूप से लेना है तो हमें उसका विभाजन करना ही होता है। इसीलिए हम जब शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं तो शिक्षण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम हमारी जो विषय वस्तु, जो हमारा सिलेबस होता है, उसे हम विभिन्न इकाइयों में, उप इकाइयों में हम उनका विभाजन कर देते हैं उसे सरल और आसान बनाने के लिए। और फिर हम उसे यथासंभव जिस तरीके से हमें उसे नियोजित करना होता है उस तरह हम उसे नियोजित करने के लिए हम उसे स्थापित कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रथम यूनिट में हमारे इतने चैप्टर हैं, सेकंड यूनिट में हमारे इतने हैं, उसके लिए हम समय भी निर्धारित करते हैं कि प्रथम यूनिट में हमारा इतना सिलेबस आएगा और कब तक आएगा। तो ये हमारे लिए, ये प्रक्रिया हमारे शिक्षण की प्रक्रिया को एक सरल और आसान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कि जो हम इसका विभाजन करते हैं। विभाजन के बाद में आती है हमारी संशोधन का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत ये हम पढ़ते आए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। हर चीज बताई गई थी, चाहे मैंने वो पाठ्यक्रम हो, पाठ्यचर्या हो, शिक्षा हो, आज हमारे शिक्षण है, अधिगम है, हमने देखा है। और यहाँ तक कि हमारा संविधान भी ये चाहता है कि जब जब हमें जरूरत पड़े हम वहाँ पर संशोधित कर सकते हैं। अर्थात अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें तो शिक्षण की जो सिद्धांत है उसे कैसा होना चाहिए, लचीला, क्योंकि समय और आवश्यकता के आधार पर हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कहते हैं कि जो हम शिक्षण के सिद्धांत बनाए, सामान्य सिद्धांत, उसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें उसमें समय और आवश्यकता के आधार पर हमें उसमें परिवर्तन और संशोधित करते रहना चाहिए, उसका कुछ नया रूप लाना चाहिए या उसके अंदर कुछ नया जोड़ना चाहिए। अर्थात उसे अगर हमें इंटरेस्टिंग और हमें अच्छे से, कहते हैं ना कि हम ये माने कि अगर बच्चे उसमें इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लें तो उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो जब हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होंगी तो हमारे शिक्षा के अंदर भी संशोधन की आवश्यकता है। तो ये हमारी जो शिक्षण है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो
वो शिक्षा की एक अहम कड़ी होती है, क्योंकि उसी के द्वारा हम शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया में तो ये सिद्धांत हमारे लिए अनिवार्य होता है कि हमें संशोधन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा स्थायी बनाने के लिए, अर्जित करने के लिए ज्ञान को हमें क्या करना चाहिए, तुरंत और बार बार उसमें संशोधित करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा इसमें ये जो हमारे हम कक्षा में हम सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत, सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के लिए कहते हैं कि ये सिद्धांत हमारे लिए कक्षा के वातावरण को थोड़ा हास्यपूर्ण और रचनात्मक पूर्ण बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। सृजनात्मक क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी, कि जिस तरीके से हम कहते हैं ना क्रियाशीलता में हम बच्चों को करने के लिए देते हैं, यहाँ हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस वातावरण को जो कक्षा के अंदर वातावरण कहते हैं ना, चाहे हमेशा से हमारा वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे बोर होने लगे। तो हमें अगर हमारे कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाना है, या हम कहें कि शिक्षण में हमें इंटरेस्ट जागृत करवाना है, तो हमें सृजन और पुनः सृजन के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, जिससे कक्षा में थोड़ा हास्यपूर्ण और सृजनात्मकता का, यानी प्रत्येक बच्चे में कौन सी सृजनात्मक शक्ति छिपी हुई है इसका पता हमें चल सके। अब है इसमें लास्ट में हमारा लोकतांत्रिक, लास्ट है हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। हम ये कहेंगे कि इस सिद्धांत की जो विभिन्न हमारी कक्षाओं में जो गतिविधियां योजनाएं हम बनाते हैं उनको क्रियान्वित करने पर हम बल देते हैं। ये शिक्षार्थी के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली है। तो आप इस चीज को मानेंगे प्रत्येक बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपने मत या अपने विचारों को शिक्षक तक पहुंचाना, और इससे क्या होता है उनकी जो क्षमता है, कोई उनकी जो कौशल क्षमता है उनका विकास होता है। तो इसके लिए कहते हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है, ये बच्चों में हमें आत्मविश्वास जागृत करने के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि जब बच्चे अपने विचार खुलकर प्रकट कर पाएंगे तभी उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लिए हमें लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत अपनाना चाहिए, इसे हमारे शिक्षा का एक अहम सिद्धांत बनाते हमें इस पर कार्य करना चाहिए। तो बच्चों ये आज के हमारे सामान्य सिद्धांत थे, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, जीवन से संबंधित सिद्धांत, सूची का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत मतभेद पहचानने का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, योजना या नियोजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, सृजन और पुनः सृजन का सिद्धांत और लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये हमारे 10 हमारे सामान्य सिद्धांत थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।